Here is lecture 5th of chapter 3rd. Today we will proceed same topic, product of matrices, and we will do some more questions. Question is, if A equals to this matrix, find A square, hence find the matrix A power 6. ठीक है, कोई भी तुहानू एवें दा क्वेश्चन आउंदा तां सब तो पहला हुण आपां नूं की फाइंड करन लई कहा, A स्क्वेयर. ठीक है, सीधा भी A पावर 6 फाइंड करन लई कह सकते हैं. तो सब तो पहला आपां A स्क्वेयर ही फाइंड करना. ठीक है, तो A स्क्वेयर की होएगा A इंटू A मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन. तो A मैट्रिक्स आ 0 0 1 0 1 0 1 0 0. अगेन एक ए मैट्रिक्स फिर सेम लिख लांगे 0 0 1 0 1 0 1 0 0. ए मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर दी है, ए मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर दी है. ये नंबर ऑफ कॉलम्स ये नंबर ऑफ रोज दे इक्वल आ. ठीक है, तो इन्हों की प्रोडक्ट डिफाइन आ, तो जो ऑर्डर बनना है सेम यही बन जाना 3x3. तो ए स्क्वेयर की आएगा, तो आप इतने लिख लें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ठीक है, यह चीज़ आप अकॉर्डिंग लिख लेंगे सी जो अपना ऑर्डर बनना. ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज तो नैक्सट वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स. तो A11 फस्ट मैट्रिक्स की फस्ट रो. ठीक है, सॉरी फस्ट रो तो सैकेंड मैट्रिक्स का फस्ट कॉलम. हुण 0 नू 0 नाल करांगे 0, प्लस 0 नू 0 नाल करांगे अगेन 0, प्लस 1 नू 1 नाल करांगे तां की आ जाएगा 1. ठीक है, सेम उही मैं वे फॉलो कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन का. फिर A12 का मतलब की सी, फस्ट रो सैकेंड कॉलम कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नू मल्टीप्लाई करी जाना ते ऐड करी जाना 0 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 भी किया गया 0. A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 भी किया जाना 0. फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 ही आ जाना. मैं सीधा 0 लिख दिनी है. ठीक है, फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 इतने 1 आ जाएगा, 0 इंटू 0 फिर 0. ठीक है, प्लस होने से 0 प्लस 1 प्लस 0 तो 1 ही आ जाना. फिर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 1 नाल कीता 0, प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0. नैक्सट थर्ड रो फस्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 भी 0. सिमिलरली नैक्सट, तो इस मैट्रिक्स नू सॉल्व करके, ठीक है, जेड़ा अपना ए स्क्वेयर सी वो आ गया अपने कोल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यदा मतलब है कि बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई. ठीक है, हुण कोई भी पावर आ जाए इत्थे ए दी बजाए, जदो थोड़े कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ए पावर 6 आ, ए पावर 6 की हुंदा ए स्क्वेयर पावर की कर दो क्यूब. हुण ए स्क्वेयर की है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर तुसीं जिन्नी मर्जी कर लो उन्हें सेम ही रहना. ठीक है, तो आइडेंटिटी इहदा क्यूब करोगे तो कि इहदे इक्को रहना, इन्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही रहना. ठीक है, तो सिमिलरली एक होर इहदा क्वेश्चन का पार्ट आ, उहदे च तुहानू कोई मैट्रिक्स गिवन आ ए, उत्थे तुसीं ए पावर 16 फाइंड करना. तो सब तो पहला तुसीं की करना, ए स्केयर फाइंड कर लो, आइडेंटिटी आ गया तो एवें अगे पावर कर दियो इहदी. ठीक है, इहनू ब्रेक करके लिख लियो, आइडेंटिटी की पावर जिनी मर्जी आ जाए आइडेंटिटी बन जाएगा. अगर बाई चांस तुहाडा जिवें मान लो ए पावर 16 फाइंड करना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो तुसीं इहनू लिख लोगे ए स्केयर पावर 8. ठीक है, तो ए स्केयर तुहाडा मान लो ओ मैट्रिक्स आ गया, ओ मतलब 0 मैट्रिक्स आ गया, तो 0 मैट्रिक्स की पावर 8 भी की बनना 0 मैट्रिक्स ही रह जाना. ठीक है, तो इवें तुसीं इहनू सॉल्व करना, जिनी मर्जी पावर पूछी होवे पहला स्केयर सॉल्व कर लो, अगे फिर इन्हू ब्रेक करके इवें सॉल्व कर देना. नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट स्टूडेंट्स मैं उही क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ जिन्हें तुहानू कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, प्रोडक्ट ही करनी है. ठीक है, जो थोड़े जे डिफरेंट लग रहे हैं मैनू.
क्वेश्चन इज इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ए शो दैट दिस ठीक है ए आ चीज आप शो करनी है ए स्क्वेयर अपन जी ए है स्क्वेयर मैट्रिक्स गिवन है ए स्क्वेयर ए इक्वल गिवन आ हुण देखो आप लैफ्ट साइड तो चलते हैं लैके हुण लैफ्ट साइड आई प्लस ए का क्यूब आ ठीक है क्यूब सीधा तो अपने को सोल्व हो नहीं जाना तो सब तो पहला आप करते हैं आई प्लस ए का स्क्वेयर सोल्व कर लें ठीक है आई प्लस ए का स्क्वेयर की होगा आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए ठीक है तो इनू आप ओपन करके लिख लिया स्क्वेयर ठीक है हम किवें सोल्व करते हमने आई पहले आई नाल करांगे की आ जाएगा आइडेंटिटी का स्क्वेयर फिर आई नू ए नाल मल्टीप्लाई ठीक है दैन ए नू आई नाल मल्टीप्लाई प्लस ए इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केयर कर लो क्यूब कर लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी रहनी है ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होंगी है हम आइडेंटिटी मतलब जिसके डायगोनल एलीमेंट्स की होंगे यूनिटी एक वन जिवें वन आप वन अगर फोर ना मल्टीप्लाई करिए आंसर फोर आता सिमिलरली आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मर्जी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लिए तो अपने को जो आंसर आ उही मैट्रिक्स आ जाएगी हूँ जे मैं इतने आई नू ए ना करा चाहे तुसी कोई भी एग्जाम्पल लैके करके भी देख लियो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जी मर्जी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लियो थोड़े को उही मैट्रिक्स आ जाएगी वापिस आइडेंटिटी ए नाल करांगे तो ए आ जाएगा अगेन ए इंटू आइडेंटिटी ए आ जाएगा तो ए इंटू ए की आ गया ए स्क्वेयर ठीक है तो इतों अपने को बन गया ए स्क्वेयर हूँ किदे इक्वल आ ए दे इक्वल ए चीज यूज कर लें तो ए आ गया थ्री ए प्लस आई दे इक्वल ठीक है स्क्वेयर आ गया हूँ क्यूब फाइंड कर लें क्यूब दे लई की करांगे क्यूब किदे इक्वल होएगा आई प्लस ए का स्क्वेयर इंटू आई प्लस ए ठीक है क्यूब फाइंड करना आई प्लस ए का स्क्वेयर एदी पावर की होगी वन बे सेम आ पावर एड करके क्यूब ही बन रहा ठीक है ब्रेक करके लिख लिया हुण एदी वैल्यू आ जिहड़ी अपने कोल आई हुई है दैट इज थ्री ए प्लस आई अगेन आई प्लस ए नू मल्टीप्लाई कर दो थ्री ए नू आई नाल मल्टीप्लाई प्लस थ्री ए इंटू ए ठीक है प्लस आई इंटू आई आई स्क्वेयर ठीक है आई इंटू ए तो थ्री ए नू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना करांगे तो की आ गया थ्री ए बन जाएगा थ्री ए स्क्वेयर नैक्सट आई का स्क्वेयर क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही रहना हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मर्जी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई कर लो की आना ए थ्री ए ए स्केयर नू की लिख लो ए ठीक है इतने भी रीजन दे दो जिते भी तुसी यूज करना बिकॉज ए स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस आइडेंटिटी प्लस ए तो यह बन गया थ्री ए सिक्स ए प्लस ए सैवन ए प्लस आई ठीक है दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑलराइट हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन लैट ए इक्वल्स टू दिस दैन शो दैट ए स्क्वेयर माइनस फोर ए प्लस सैवन आई इक्वल्स टू जीरो यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट ए पावर फाइव ठीक है इवें दे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ ठीक है जिदे विच तुसी इनू इक्वल प्रूव करना जीरो मैट्रिक्स से इतों तक तो कोई औखा काम है नहीं गा ठीक है ए स्क्वेयर फाइंड कर लो फोर ए फाइंड कर लो ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नू सैवन नाल मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस करके इनू ए आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल ठीक है ये चीज़ नहीं मैं करवाऊंगी मैं सिर्फ ए रिजल्ट दसूंगी किवें बनना ठीक है तो सब तो पहला चलो ए स्क्वेयर फाइंड कर लें क्योंकि ये यूज होगा ए फाइव फाइंड करने तो ए स्क्वेयर की हुंदा ए मैट्रिक्स नू आपां टू टाइम्स लिख लिया ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे ए वन वन एलीमेंट आना टू क्रॉस टू ही बननी है जो दोनों मैट्रिक्स टू क्रॉस टू आ ठीक है फस्ट रो फस्ट कॉलम तो टू नू टू ना मल्टीप्लाई किया फोर थ्री इंटू माइनस वन की आ जाएगा माइनस थ्री ठीक है फिर फस्ट रो सैकेंड कॉलम टू इंटू थ्री की आ जाएगा सिक्स थ्री टू की आ जाएगा प्लस सिक्स नैक्सट सैकेंड रो फस्ट कॉलम माइनस वन इंटू टू की आ जाएगा माइनस टू टू इंटू माइनस वन की आ जाएगा माइनस टू
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस वन इंटू थ्री की आ जाएगा माइनस थ्री, टू इंटू टू की आ जाएगा फोर, फोर माइनस थ्री वन, माइनस फोर ट्वेल्व वन, ये आ गया अपने को स्क्वेयर। हुण आपां ए पावर फाइव फाइंड करना तो इसे रिजल्ट नूं यूज करके करना, ठीक है। इहदे तों नहीं आपां कर सकते भी आपां ए दी पावर फोर कर लो फिर ए नाल मल्टीप्लाई कर लो, इवें नहीं करना, इस रिजल्ट नूं यूज करके करना, तो इत्थों ही आपां नूं बनाउणा पवेगा, ठीक है। तो ए स्क्वेयर फोर ए माइनस फोर ए प्लस सैवन आई जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ, ओ दे इक्वल, ठीक है। तो आप की करते हैं इनू दूजी तरफ ले जाने, ठीक है। फोर ए है जो उधर जाके की हो जाएगा प्लस, तो सैवन आई की हो जाएगा उधर जाके माइनस, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स के कोई भी ए या आई मैट्रिक्स नो आप करा प्लस माइनस तो सेम आही चीज रहनी, उसका कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। तो ए स्क्वेयर ए आ गया अपने को, ठीक है। हुण आपां ए पावर फाइव फाइंड करना, तो सब तो पहला आपां ए पावर फोर फाइंड कर लांगे। ए पावर फोर की होगा हुण ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, ठीक है। तो फोर ए माइनस सैवन आई इंटू फोर ए माइनस सैवन आई, तो ए पावर फोर की आ जाएगा, फोर नू फोर ए ना किया आ जाएगा सिक्सटीन ए स्क्वेयर, फोर ए नू सैवन आई ना किया ट्वेंटी एट ए ही आ जाएगा, ए नू आई ना किया ए, सिमिलरली इनू इधर करांगे भी ट्वेंटी एट ए आ जाएगा, इधरों आ जाएगा प्लस फोर्टी नाइन आई इंटू आई, ठीक है। तो ए पावर फोर की आ गया सिक्सटीन ए स्क्वेयर माइनस फिफ्टी सिक्स ए प्लस फोर्टी नाइन आई इंटू आई, भी आई रह जाना, ठीक है, मतलब आई का स्केयर आ गया तो आई मैट्रिक्स के इक्वल ही होंगे। तो ए पावर फोर इतने ए स्केयर की वैल्यू पुट कर दो, की अपने को फोर ए माइनस सैवन आई माइनस फिफ्टी सिक्स ए प्लस फोर्टी नाइन आई, तो ए पावर फोर की आ गया सिक्सटी फोर ए वन हंड्रड ट्वेल्व आई माइनस फिफ्टी सिक्स ए प्लस फोर्टी नाइन आई। तो ए वाले चो ए वाला प्लस माइनस कर देने, आई वाले चो आई वाला, इतने आ जाएगा एट ए माइनस सिक्सटी थ्री आई, ठीक है। तो अपनी ए पावर फोर की वैल्यू आ गई। हुण आपां फाइंड करना सी, कैलकुलेट करना ए पावर फाइव, तो वह की आ जाएगा ए पावर फोर इंटू ए, मतलब ए पावर फोर की है एट ए माइनस सिक्सटी थ्री आई, तो इनू मल्टीप्लाई कर दें ए नाल, ठीक है। तो इतों आ जाएगा एट ए स्क्वेयर माइनस सिक्सटी थ्री, ए नू आई ना किया ए ही आ जाना, ठीक है। तो हुण ए पावर फाइव फाइंड करना सी आपां, ए चीज़ बन गई अपने कोल, ठीक है। हुण की करो एट ओवें ए स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो, अगेन की आ जाएगी फोर ए माइनस सैवन आई माइनस सिक्सटी थ्री ए, ठीक है। एट नू फोर ना किया जाएगा थर्टी टू ए फिफ्टी सिक्स आई माइनस सिक्सटी थ्री ए, ठीक है। सिक्सटी थ्री थर्टी टू ए सिक्सटी थ्री ए माइनस दिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस थर्टी वन ए, ठीक है, माइनस फिफ्टी सिक्स आई। तो नैक्सट स्टैप की होगा, माइनस थर्टी वन ए की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। की सी टू माइनस वन थ्री टू, ठीक है। माइनस फिफ्टी सिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी है वन जीरो जीरो वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना कुछ भी आ जाए उन्होंने वो चीज़ ना मल्टीप्लाई कर दो, तो इनू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इनू सॉल्व करके तो ए पावर फाइव आ जाएगा। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू पी ए, दैन राइट द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो जो चीज़ आपको गिवन आप उतो ही देखना आप फाइंड करना, ए स्क्वेयर आ तो सब तो पहला ए स्क्वेयर फाइंड करांगे, फिर तुसी किसी भी इक्वेशन दे विच उन्हूं पुट करना, ए स्क्वेयर ए क्यूब जो भी थोनू पहला गिवन हो तो चीज तुसी पहला बना लो, ठीक है। फोर ए सिक्स ए जो भी दिता फिर उन्हें इक्वेशन च पुट करके वापस उत्थे जाना। तो ए स्क्वेयर अगेन ए नूं आपां टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर लांगे, ठीक है। टू इंटू टू फोर, माइनस टू प्लस का फोर ही आ जाएगा, टू इंटू टू माइनस फोर, टू इंटू टू ये भी की आ जाएगा माइनस फोर, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर ये आ जाएगा प्लस द सॉरी फोर, तो यह भी आ जाएगा प्लस द फोर। तो यह आ गया अपने को एट माइनस एट माइनस एट तो एट, ठीक है।
नैक्सट हम उत्थे आप पुट कर देने वैल्यू क्योंकि आप हम कोई चीज प्रूव नहीं करनी लैफ्ट साइड नू राइट साइड दे कोल हुण आपां की है पी दी वैल्यू फाइंड करनी है सो आप दोनों यही लिखांगे लैफ्ट साइड भी राइट साइड भी तो ए स्क्वेयर इक्वल्स टू अ पी ए ए स्क्वेयर की आ गया एट माइनस एट माइनस एट एट ठीक है पी ए दी वैल्यू आ टू माइनस टू माइनस टू टू ठीक है पी नू अंदर मल्टीप्लाई कर देने एज अ स्केलर टू पी माइनस टू पी माइनस टू पी एट माइनस एट माइनस एट एट ठीक है तो नैक्सट स्टैप की होगा बाय इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिसिस ठीक है कोरोस्पोंडिंग एलीमेंट्स की हो जाते हैं इक्वल अगर आप टू पी इक्वल्स टू एट रखते हैं ना दोनों इक्वल तो पी की वैल्यू की आ जाएगी फोर सिमिलरली तुम इन इक्वल रखोगे इतों भी पी की आ जाएगा थोड़े को फोर नैक्सट यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आप जीरो मैट्रिक्स के इक्वल की बना ठीक है तो सो आप मल्टीप्लाई कर लें पहले दो मैट्रिक्स न कर लें ए मैट्रिक्स होगी अपनी वन क्रॉस थ्री ठीक है ए मैट्रिक्स होगी थ्री क्रॉस थ्री ठीक है ये नंबर ऑफ कॉलम ये नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल आ इट मीनस ए मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगी तो आंसर की आऊगा अपना यदा मल्टीप्लाई का वन क्रॉस थ्री तो मतलब रो वन बनूगी तो कॉलम किन्ने बन गए थ्री तो वन रो थ्री कॉलम वाली होगी ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ठीक है सो इन दोनों की मल्टीप्लाई ए वन वन फस्ट रो न फस्ट कॉलम नाल करना ठीक है वन नू वन नाल कीता वन टू टू द फोर वन वन द वन ठीक है फिर वन टू फस्ट रो सैकेंड कॉलम वन इंटू टू इतने वन आ जाएगा वन इंटू टू टू दो जीरो अगे टू नू जीरो नाल करोगे प्लस जीरो वन नू जीरो नाल करोगे जीरो नैक्सट फस्ट रो थर्ड कॉलम वन नू जीरो नाल करोगे जीरो टू नू वन नाल करोगे टू वन नू टू नाल करोगे टू इंटू जीरो टू एक्स इक्वल टू जीरो इनू आप एक बार जीरो मैट्रिक्स ही लवेंगे अगे जाके देखते इनू की बनाना तो आ जाएगा फोर प्लस वन फाइव तो सिक्स टू फोर ठीक है अगेन इट इज़ वन क्रॉस थ्री मैट्रिक्स हुण ए हैगी है मैट्रिक्स अपनी थ्री क्रॉस वन आ दोनों इक्वल आ नंबर ऑफ कॉलम तो नैक्सट वाली नंबर ऑफ रोज ठीक है तो रिजल्ट यदा बनेगा वन क्रॉस वन मैट्रिक्स मतलब एक ही एलीमेंट आएगा ठीक है तो मतलब आ रो आ एक कॉलम इनू ये मल्टीप्लाई कर देने सिंपली सिक्स इंटू जीरो जीरो प्लस कई स्टूडेंट इतने मिसटेक करते हैं सेंटर च प्लस नहीं पाते मैट्रिक्स ही बना देंगे वन रो थ्री कॉलम वाली किमें नहीं करना वन क्रॉस वन च सिर्फ एक एलीमेंट आना ठीक है सिक्स इंटू टू जीरो टू इंटू टू फोर फोर इंटू एक्स फोर एक्स इक्वल टू की है जीरो ठीक है तो फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो आ गया तो फोर एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस फोर तो इतों एक्स की वैल्यू की आ जाएगी माइनस वन नैक्सट क्वेश्चन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट ठीक है इवें का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कई बार तो क्वेश्चन के गिवन हों टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स फाइंड करो थ्री क्रॉस थ्री की करो पर अगर थोनों नहीं भी गिवन तो देखो किमें करना हूँ ये मैट्रिक्स आडर की आ टू क्रॉस थ्री ठीक है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी की है टू क्रॉस थ्री मतलब एक्स एक योजी मैट्रिक्स आ जिन्हों मैं टू क्रॉस थ्री मल्टीप्लाई ना मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई किया तो आ चीज़ बन गई ठीक है मतलब मल्टीप्लाई किया इनू यद मतलब मल्टीप्लीकेशन डिफाइन आ जो मल्टीप्लाई डिफाइन आ तो जी ए मैट्रिक्स आदि कॉलम तो ये रोज की होंगे इक्वल यद मतलब इस मैट्रिक्स के कॉलम तो टू हो गए ठीक है कॉलम की हो गए टू ए रोज की आ टू तो यदा मतलब टू कॉलम हो गए मैट्रिक्स के हूँ रो एरिया कि हो जी मैट्रिक्स बनती है टू क्रॉस थ्री बनती है ठीक है आ मैट्रिक्स आ जी ये कि बनती है टू क्रॉस थ्री तो टू क्रॉस थ्री किमें बनूगी ए नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ कॉलम तो यह मतलब इतने भी टू होगा समझे कि मतलब यह एक्स मैट्रिक्स थोड़ू इतने गिवन नहीं हैगी इस क्वेश्चन के भी तुम्हें टू क्रॉस टू ऑर्डर की लैनी है या टू क्रॉस थ्री की लैनी है तो तुम ये मिसटेक नहीं करनी भी इनू टू क्रॉस थ्री की लै लो
ठीक है, जे तुसी इहनू 2x3 दी लै लिया फिर तो मल्टीप्लाई नहीं डिफाइन होनी, आ मैट्रिक्स किवें बन गई, क्लीयर। सो तुसी इत्थे ध्यान रखना भी एक्स मैट्रिक्स किहड़े ऑर्डर की होगी, हुण अगर इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई डिफाइन आ ताइया मैट्रिक्स बनी आ। मल्टीप्लाई डिफाइन कदों हुंदी आ, जदों एक्स वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल की दे होण नैक्सट नाल वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दे, तां इत्थे 2 सी इसलिए इत्थे की आ गया 2। फिर मल्टीप्लाई डिफाइन होई तो इहदा रिजल्ट की बनिया 2x3 मैट्रिक्स, ठीक है। इवें 1 marks का क्वेश्चन भी आ सकता कि इन्हां दा रिजल्ट बनिया 2x3, तो रिजल्ट 2x3 बनिया तो वह फस्ट वाली मैट्रिक्स के रो इंटू दूजे वाली मैट्रिक्स के कॉलम की इक्वल होगा, ठीक है। तो इतने जो 2x3 है, इतने 3 है, तो यह मतलब इतने की आ गया 2, तो यह मतलब एक्स मैट्रिक्स अपनी की है 2x2 ऑर्डर की है, ठीक है। आप फाइंड करनी है, अगर तो इतने प्लस माइनस हों तो इनू इधर ले जाके माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे अपना आंसर आ जाना सी, पर मल्टीप्लाई चू आप एक्स मैट्रिक्स ही नहीं रख सकते, आपू एलीमेंट भी कंसिडर करने पैणगे। फॉर एग्जाम्पल लैट कर लें एक्स मैट्रिक्स की है ए बी सी डी, ठीक है, या एक्स वाई जैड टी कुछ भी तुम लैट कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना भी यदा ऑर्डर इतने ध्यान ना लिखना भी किस ऑर्डर की बनूगी। उस तो बाद मैट्रिक्स आ 1 4 2 5 3 6, ठीक है, इक्वल्स टू -7 2 -8 4 -9 6। अगर सेंटर च प्लस माइनस हुंदा तां आपां नूं एक्स मैट्रिक्स मन्नण दी लोड़ नहीं सी, इधर जाके माइनस हो जानी सी, एक्स मैट्रिक्स सिंपली आ जानी सी, मल्टीप्लाई आ गई तां करके तुहानूं एलीमेंट कंसिडर करने पैणगे, ठीक है। इन्हां सम्स दे विच कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि अगे आपां सिंपली सॉल्व कर लैंदे सी। मल्टीप्लाई च इहनूं इवें आपां लैट कर लैणा वी इहदे 2x2 ऑर्डर दी मैट्रिक्स आ ते इहदे एलीमेंट की आ ए बी सी डी। हुण इह दोनों मल्टीप्लाई हो रहे आ ते इहनां नूं मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है। तो इन्हों का मल्टीप्लाई करके देखो 2x3 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स बननी है, तो इतने एलीमेंट आऊगा a11 फस्ट रो फस्ट कॉलम a(1a+4b), ठीक है। उस तो बाद नैक्सट हम 2x3 की बननी है तो नैक्सट एलीमेंट आ जाएगा a12 फस्ट रो सैकेंड कॉलम 2a+5b, नैक्सट 3a+6b, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिवें आप अगे करते हैं। नैक्सट 2 1 सैकेंड रो नैक्सट एली रो मैट्रिक्स का कॉलम 2 1c+4d, नैक्सट 2c+5d, नैक्सट 3c+6d, -7 2 -8 4 -9 6, ठीक है। तो हुण ये दोनों मैट्रिक्स की है इक्वल, ठीक है। तो बाय क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जिहड़े इहनां दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स आ ओह की हो जाणगे इक्वल, तो a+4b इक्वल आ गया -7, ठीक है। तो 2a+5b है जिहड़ा ओह किहदे इक्वल आ गया -8 दे, ठीक है। सिमिलरली 3a+6b इक्वल आ जाएगा -9 दे। हुण देखो आपां तां ए बी दी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपां नूं दो इक्वेशन बहुत आ, बेशक ना भी लिखो इहनूं, वैसे तो इहदे इक्वल होएगा ही, बट अपना इन्हां दोनों नूं सॉल्व करके ए बी आ जाना, ठीक है। तो इवें c+4d कहदे इक्वल आएगा 2 दे, ते 2c+5d कहदे इक्वल आ 4 दे, ठीक है। इन्हां दोनों नूं सॉल्व करके सी डी दी वैल्यू आ जाएगी। तो जिवें इत्थों ए दी वैल्यू की आ गई -7 -4b, इत्थे पुट कर दो -7 -4b+5b=-8, ठीक है। सबसीट्यूशन मैथड यूज कर रही हैं, एलिमीनेशन भी कर सकते हो तुसी। 2 × -7 -14, 2 × 4 -8b+5b=-8, ठीक है। तो यह आ जाएगा -3b -8+14 -3b, यह आ जाएगा 6, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6/-3, तो बी की आ गया अपने कोल -2, यदि वैल्यू ए इतने पुट कर दो -7 -4 × -2, -7 + 8, तो ए की वैल्यू की आ गई 1। नैक्सट आप सी ते डी नू सॉल्व कर लें,
ठीक है, तो सी दी वैल्यू ले ली 2 माइनस 4d, इधर पुट कर देने हैं 2 2 माइनस 4d प्लस 5d, ठीक है, 2 नू 2 ना मल्टीप्लाई किया 4, 2 4 दा माइनस 8d प्लस 5d इक्वल्स टू 4, ठीक है, 4 नाल 4 खत्म, माइनस 3d इक्वल टू 0, तो d दी वैल्यू 0 आ गई इत्थे, ठीक है, इत्थे पुट कर दो 2 माइनस 4 इंटू 0, तो c दी वैल्यू की आ गई 2, तो आप x मैट्रिक्स की सी लैट ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी सी, तो यह मतलब अपनी x मैट्रिक्स की आ गई, ए कि आया सी अपना ए 1 बी माइनस 2 सी 2 ते डी 0। वन थिंग मोर, एवें दे क्वेश्चन आ जड़े, ए गिवन आ, एफ एक्स गिवन आ, शो करना एफ ए इक्वल टू 0, तो जिथे जिथे थोड़े को एक्स पिया उदी जगह ते एक्स की जगह ते की पुट कर दो ए, तो फंक्शन एक्स दे विच सी इत्थे ए दे विच आ जाएगा एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2a माइनस 3, 3 दे नाल इत्थे आई होएगा, ठीक है, तो ए स्क्वेयर फाइंड कर लो, ए तो 2a फाइंड कर लो, 3i का मतलब तुहानू पता ही है 3003, ठीक है, इत्थे पुट कर दो एफ ए की जगह ते अपने आप जिहड़ी तुहाडी राइट साइड 0 बन जाएगी, ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी सिमिलरली इवें करने हैं।